नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक। कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, अपना लक्ष्य नहीं। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का अपना YouTube चैनल गीता के राशिफल में। आज हम बात करने जा रहे हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों को 27 नवंबर दिन रविवार कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चुनौतियों से सावधान रहना होगा और सिंह राशि वालों को आने वाले समय में वे कौन कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताएंगे सिंह राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, उनका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आयकर संपूर्ण राशि बताएंगे। अगर दोस्तों आपकी भी सिंह राशि है तो इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, आज रविवार है, सूर्य भगवान का दिन है। कमेंट में दोस्तों जय सूर्यदेव भगवान लिखें, सूर्यदेव आपकी मनोकामना पूरी करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर दबाएं ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, अब बात करते हैं आज के पंचांग की। 27 नवंबर 2022 दिन रविवार, आज की तिथि चतुर्थी, आज का नक्षत्र पूर्वा साढ़ा नक्षत्र, पंचाचार राशि शुक्ल पक्ष। आज सूर्य उदय होगा सुबह 6:52 पर और सूर्य अस्त होगा शाम 5:24 पर। दोस्तों, आज का शुभ समय है सुबह 9:29 से सुबह 10:22 तक रहेगा। दोस्तों, आज आपको शुक्र करना चाहते हैं तो आप इसी समय करें, आपके लिए शुभ होगा। साथ ही आपको बताएं आज का अशुभ समय है दोपहर 1:10 से दोपहर 1:53 तक रहेगा। दोस्तों, आज आपका लकी नंबर है 6 और शुभ रंग गुलाबी और नारंगी। दोस्तों, अब बात करते हैं आज के राशिफल के बारे में, आज का दिन कैसा रहेगा आज की जानते हैं। तो दोस्तों, आज का दिन मौज मस्ती और आनंद से भरा रहेगा क्योंकि आप जिंदगी को पूरी तरह जियेंगे। आज निवेश के जो नए अवसर आपकी ओर आए उन पर विचार करें, लेकिन धन तभी लगाएं जब आप उन योजना को भली भांति अध्ययन कर लें। आपको अपने घर के माहौल में कुछ सकारात्मक बदलाव करने पड़ेंगे। कुछ लोगों के लिए जल्दी शादी की सनाई बज सकती है, जबकि दूसरे जिंदगी के नए रोमांस का अनुभव करेंगे। किसी लघु या मध्यवर्ती पाठ्यक्रम में दाखिला लेकर अपनी तकनीकी क्षमता में निखार लाएंगे। कार्य क्षेत्र में किसी काम के अटकने की वजह से आज आपका शाम का कीमती वक्त खराब हो सकता है। साथ ही साथ आपको बताएं आपका विनम्र स्वभाव सराहा जाएगा, कई लोग आपकी खासी तारीफ कर सकते हैं। दोस्तों की मदद से वित्तीय कठिनाइयां हल हो जाएंगी। कुल मिलाकर फायदेमंद दिन रहेगा, लेकिन आप समय देते जिस पर आंखें बंद करके यकीन कर सकते थे वह आपके भरोसों को तोड़ सकता है। आज के दिन किसी के साथ छेड़खानी करने से बचें। आप जूझ तोड़ मेहनत और धीरज के बल पर अपने उद्देश्य को हासिल कर सकते हैं। अपने जिगरी यारों के साथ आज आप खाली समय का आनंद लेने का विचार बना सकते हैं। ज्यादा खर्चे की वजह से जीवन साथी के साथ आपकी खटपट हो सकती है। साथी दोस्तों, आपको बताएं कार्य स्तर पर सकारात्मक सहायता का विकास होगा। लाभ के लिए तत्पर रहें। लंबे समय से लंबित पड़ा वांछित काम आज पूरा होगा। यदि आप विदेश जाने के इच्छुक हैं तो आप अपने प्रयासों को आगे बढ़ा सकते हैं। परीक्षा के परिणाम आपके पक्ष में होंगे। पारिवारिक संबंध आनंद में रहेगा और परिवार में किसी के लिए पदोन्नति का बेहतरीन संकेत हो सकता है। किसी धार्मिक स्थल पर जाने से आपको मानसिक शांति मिलेगी। बच्चे आप पर गर्व करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बताएं आज का दिन आपके लिए बहुत से नए पल लेकर आया है। आपको कैरियर के मामले में कोई शुभ समाचार मिल सकता है। आपके आसपास का माहौल अच्छा बना रहेगा। आपको सबका सपोर्ट मिलेगा। लव मेट से आपको कोई मनचाह गिफ्ट मिल सकता है। कोर्ट कचहरी के मामले आपके पक्ष में रहेंगे। दोस्तों से हर संभव मदद मिलेगी। आपकी सेहत अच्छी रहेगी। छात्रों के मन में पढ़ाई को लेकर नई ऊर्जा आएगी। आप माँ लक्ष्मी को लाल फूल अर्पित करें। आपके घर की खुशहाली में वृद्धि होगी। साथ ही साथ आपको बताएं आज का दिन आपके लिए मिश्रित फल देने वाला रह सकता है। किसी के बारे में अनुमान लगा पाने से आज आपको बेहद खुशी मिलने वाली है। घर के सभी सदस्य अपनी अपनी जिम्मेदारियों को बाखूबी निभाएंगे। पुराने प्यार के फिर से जीवंत होने की संभावना नजर आ रही है। रोमांस शुरू हो सकता है। वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। आज आय में वृद्धि हो सकती है। बिजनेस में बढ़ाने के लिए नई योजना पर आपको विचार करना होगा। वर्तमान समय में लॉन्ग टाइम के लिए किया गया निवेश आपके लिए अच्छा फल दे सकता है। रेस्टोरेंट चला रहे लोगों को आज रोज की अपेक्षा अधिक मुनाफा होगा। जो लोग कोई अलग कैरियर अपनाने के इच्छुक हैं उन्हें परिवार का भरपूर सहयोग मिलेगा। नौकरी पेशा लोग अधिकारियों से संबंध खराब ना होने दें।
वरना बाद में आपको पछतावा करना पड़ सकता है। आज का दिन आपके लिए खुशियां लेकर आया है। शॉपिंग करने के लिए जाना बेहद मजेदार रहने वाला है। किसी खास प्रदर्शन में भाग लेने के कारण उसका खिताब आपके नाम हो सकता है। आज किसी भी झंझट में पड़ने से बचें। प्रेम जीवन के लिए दिनमान थोड़ा कमजोर रहेगा। शादीशुदा लोगों के ग्रस्त जीवन में आज दिनमान अच्छा रहेगा। आज धन संपत्ति में इजाफा होगा। इसके बारे में किसी भी जानकारी के प्रति आप सचेत रहें। जिस काम में आपने पैसा लगाया है उस काम को पूरा होने में समय लग सकता है। आज आप अपने रोजमर्रा के कार्यों को पूरा करने में सफल रहेंगे। व्यापारिक शत्रु आपके विरुद्ध कोई सक्रिय हो सकते हैं। सावधान रहें, सचेत रहें तो आपके लिए अच्छा होगा। ऑफिशियल कार्यों में पूर्व किए गए प्रयासों का शानदार परिणाम मिलेगा। साथ ही आपको बताएं, अतीत में किया गया कोई काम आपके काम की प्रसन्नता रह सकती है। निजी क्षेत्र में अधिकारी पद पर कार्यरत महिलाओं को ऑफिस के अधिक अनुकूल रह सकती है। पति पत्नी के बीच घर की व्यवस्थता को लेकर कुछ मनमुटाव की स्थिति रहेगी, परंतु समय रहते आप नकारात्मक प्रतिद्वंद्वों को काबू पा लेंगे। रिलेशनशिप से संबंधित महसूस होने वाले उतार चढ़ाव जल्दी दूर होंगे। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, परंतु जोखिमपूर्ण कार्य में आप रुचि ना लें तथा वाहन भी आप सावधानी के साथ चलाएं। भागीदारी में काम करने का अवसर प्राप्त होगा, जो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। बिजनेस में बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। इस समय आपको कोई ऐसी बात उजागर हो सकती है जिसे आप गोपनीय रखना चाहते थे। नौकरी पेशा लोगों को ऑफिस से संबंधित यात्रा करनी पड़ सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, वैवाहिक जीवन को कुशमय बनाए रखने में ही आज आपकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण रहेगी। प्रेम संबंधों में किसी प्रकार की खटास उत्पन्न होने की संभावना बन रही है। अपने प्रेम व्यवहार को आप संयमित रखें। साथ ही साथ दोस्तों, अपने प्रति एक कार्य में जीवन साथी का सहारा लेना आपके कई कारणों को पूरा करने में आपकी मदद करेगा और प्रेम संबंधों में भी पारस्परिक सुकृति प्राप्त होगी। साथ ही साथ दोस्तों, आपकी व्यस्तता के कारण घर परिवार की देखभाल में उचित समय नहीं दे पा रहे हैं, परंतु जीवन साथी आपकी परेशानियों को समझेंगे और आपका पूर्ण सहयोग करेंगे। और दोस्तों, घर में किसी बात को लेकर आप दोनों बैठकर शांति रूप से सुलझाएं और घर के माहौल को खुशनुमा बनाने के लिए मनोरंजन संबंधी कोई योजना बनाएं। इससे आपके प्रेम संबंध काफी मजबूत होंगे और आपके प्रेम जीवन में काफी गहराई आएगी और आपका प्रेम जीवन काफी खुशनुमा बना रहेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, आज आपको कोई हल्की परेशानी रह सकती है, जैसे छाती से संबंधित कोई परेशानी रह सकती है, जैसे आपको खांसी, कफ या गले में दर्द रह सकता है। इसके लिए आपको आयुर्वेदिक चीज़ों का अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए और अपने स्वास्थ्य को और भी अधिक अच्छा रखने के लिए आप अपने खान पान का ध्यान रखें और रोजाना योग व्यायाम करते रहें। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर दबाएं ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके।